हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सफदरजंग टॉम, जो कि गाइस मुग़ल काल का आखिरी मकबरा है। और गाइस, बहादुर शाह के शासन काल में सफदरजंग के बेटे सुजाउद्दौला ने उनकी याद में बनवाया था। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये गाइस आप देख सकते हो, ये लोधी मेन रोड और इसी के सामने बना हुआ है सफदरजंग टॉम। आप देख सकते हो, ये है मेन एंट्रेंस उसका। आप देख सकते हो इसकी टिकट का फेयर है 25 रुपीस। गाइस, इस गेट से जैसे ही आप एंटर करोगे, उसी के बगल में बनी हुई है ये मस्जिद, जो कि फ़िलहाल अभी बंद है। और इसी के बगल में आप देख सकते हो ये गार्डन बने हुए हैं, जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और चारों तरफ ऐसे ही गार्डन बने हुए हैं, आप देख सकते हो। और इसी के बीच में बना हुआ है ये मकबरा, देख लो। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, पुरुष और महिलाओं के लिए वॉशरूम भी बना रखा है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। और वो सामने आप देख सकते हो, वो पीने का पानी फ्रीजर लगा रखा है। घूमते घूमते आप थक जाते हो, प्यास लग जाती है, तो आप पानी पी सकते हो यहाँ पर। ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और गाइस, बहुत सुकून है यहाँ पर और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इतनी धूप पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने आप देख सकते हो ये मकबरा। ये सामने आप देख सकते हो गाइस, फाउंटेन लगे हुए हैं, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। आप देख सकते हो, ये सामने आप देख सकते हो सफदरजंग टॉम, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे रूम बने हुए हैं साइड में, ये आप देख लो। इसमें पता नहीं अंदर क्या है, पता नहीं हो जी, देख सकते हो सफदरजंग टॉम। चलिए गाइस, आपको मैं लेके चलता हूँ ऊपर। यहाँ से व्यू देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो। और यहाँ पे बहुत ही शांति है, ज़्यादा टूरिस्ट लोग नहीं आते यहाँ पर, पता नहीं क्यों नहीं आते यहाँ पर। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा मकबरा बना हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख लो गाइस। आप देख लो, इस मकबरे को बनाने के लिए 3 पत्थरों का यूज़ किया गया है, रेड पलवा पत्थर, संगमरमर पत्थर और पीला पत्थर। आप देख सकते हो 3 तरह के इसमें पत्थर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। चलिए गाइस, अब हम लेके चलते हैं आपको अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, कितनी खूबसूरत डिजाइन की कर रखी है, आप देख लो। बहुत ही खूबसूरत लग रही है डिजाइन, आप देख लो। तो सामने का व्यू, इस तरफ भी दरवाज़ा है, इस तरफ भी दरवाज़ा है, बीच में आप देख सकते हैं ये कब्र बनी हुई है। ये गाइस आप देख सकते हो, ये है सफदरजंग की कब्र, जो कि बहादुर शाह के शासनकाल में उनके वजीर हुआ करते थे, यानी उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये मकबरा उनके बेटे सुजाउद्दौला ने उनकी याद में बनवाया था, आप देख सकते हो। और ये ऊपर का आप व्यू देख लो, कितना खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ झरोखे बना रखे हैं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ये गाइस आप देख सकते हो, ये सफदरजंग की बैक साइड, फ्रंट साइड से आपने देख लिया, और ये है बैक साइड, जो कि गैस चारों तरफ एक जैसी बनी हुई है। और ये आप देख सकते हो गार्डन बने हुए, बीच में फाउंटेन, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है।
दिखाता हूँ आपको। इस तरफ भी आप देख सकते हो सेम उसी तरीके से इस तरफ भी बना हुआ है, बीच में फाउंटेन है। जो गए सफदरजंग थे वो मुगल काल के शासन काल में एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, यानी वजीर हुआ करते थे, और जितनी मुगल काल की जितनी भी बागडोर थी वो यही संभालते थे। तो कहा जाता है जो मुगल सल्तनत की जो मेन बागडोर थी वो सफदरजंग के हाथ में थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया था जो मुगल सल्तनत के जो राजा थे वो सफदरजंग से तंग आकर उन्होंने देखा कि सफदरजंग ने सारी पावर अपने कंट्रोल में ले ली है। तो बाद में पता चलता है तो उन्होंने मराठाओं से संदेह करी और उन्हें बुलाया, कहा कि दिल्ली से सफदरजंग को खरीदें। तो मराठा आए और मराठाओं ने दिल्ली से सफदरजंग को खरीदा और फिर वो अवध अपने वापस चले गए। और फिर उसके बाद दिल्ली की सल्तनत जो थी वो उनके हाथ में आई और फिर उसके बाद दोबारा मुगल सल्तनत को दिल्ली की सल्तनत मिली। तो वो सफदरजंग थे वो नवाब थे अवध के, तो सफदरजंग को यहाँ से भगा दिया गया। तो उसके बाद उनको बहुत सदमा पहुँचा, फिर एक दो साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनके बेटे थे शुजाउद्दौला, तो वो आए और उन्होंने गुजारिश की मुगल सल्तनत के राजा से। काफ़ी उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद उनको जगह मिली और फिर उन्होंने अपने पिता की याद में ये मकबरा बनवाया और ये मकबरा 1754 में बनकर कंप्लीट हो गया। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।